स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मेरे पास एक एक्सल सुपर हैवी ड्यूटी आई है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बाइक बहुत मिस कर रही है और स्टार्टिंग ट्रबल भी कर रही है और लोड नहीं ले रही है, खींच रही है पूरा। तो मैं इसे आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गई, लेकिन ये देखिए फुल एक्सीलेटर है, ये फुल एक्सीलेटर है इसका। और ये इसका साउंड सुन रहे हैं, ये पिकअप ही नहीं ले रही है। स्टार्ट तो हो रही है बट पिकअप नहीं ले रही है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ये प्लग का कैप खोलना होगा और प्लग कैप खोलकर इसे हम डायरेक्ट लगा देंगे इसमें। चलिए हम इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया इसमें, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। वो वायर इसका निकल गया, इसका फिर से हम इसे टाइट कर देते हैं ताकि ये निकले ना। अब ये गाड़ी को स्टार्ट कर हम इसका वायर को यहाँ से निकालेंगे और इसमें करंट चेक करेंगे कैसी करंट आ रही है। ये बंद हो गया, मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ। करंट इसमें सिंगल नहीं आ रहा है, इसमें डबल करंट आ रहा है, आपको शायद दिख रहा हो। इसमें डबल करंट आ रहा है, इसमें यहाँ से सिंगल करंट आना चाहिए। तो ये डबल करंट आ रहा है, इसमें डबल करंट नहीं आना चाहिए। इसमें डबल करंट कहाँ से आ रहा है, इस प्लग वाली वायर में, इसमें सिंगल करंट आना चाहिए, इसमें डबल करंट नहीं आना चाहिए। तो ये डबल करंट क्यों आ रहा है, इसका यहाँ पर एक इग्निशन कॉइल होता है जिसमें ST और CDI दोनों सेम एक ही में होता है। इग्नाइटर उसको बोलते हैं, इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, बहुत से लोग बहुत तरह से नाम से बोलते हैं। इग्निशन कॉइल होता है वो, तो ये फॉल्ट उससे होता है, हम उसे चेंज करेंगे। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। ये दो स्क्रू है, इसे हम खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू को खोलेंगे, इसे हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इस जगह पे इग्निशन स्विच है, ये जो है ये इग्निशन स्विच है, इसे हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका इग्निशन स्विच है, ये कॉइल ख़राब हो गया, इसी से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ये नया कॉइल डालेंगे, ये न्यू कॉइल है और ये ओल्ड है। तो चलिए मैं इसे नया डाल देता हूँ, इसे यहाँ पर कस देना है। पहले इसका वायरिंग कर लेते हैं। सारा तार, इसका वायर जोड़ना बहुत इजी है। और ये ऐसे हम इसे टाइट कर देंगे।
चलिए हम इसे टाइट कर देते हैं। टाइट हो गया। अब हम इसका ये कवर को लगा देते हैं। ये हो गया कॉइल लगाने के बाद। इसका ये वायर है, इस वायर में हम इस होल्डर को लगा देते हैं। और ये लगा दिए। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये ठीक हो गया। प्रॉब्लम इसका इग्निशन कॉइल से ही था, ये कॉइल खराब था इसलिए ऐसा हो रहा था प्रॉब्लम। अगर किसी भी बाइक में डबल करंट आए तो CDI उसका चेंज करें, और जिसमें इग्निशन कॉइल लगा हुआ था CDI और ST कॉइल एक साथ जिसमें रहता है उसमें आप उसे इग्निशन कॉइल बोलते हैं, उसे आप इसे चेंज करें। कभी कभी छोटी मोटी फॉल्ट के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।